दोस्तों सबसे पहले आप सभी देशवासी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। दोस्तों जिस देश ने लंबे समय तक किसी देश की गुलामी की हो उसके लिए आजादी का मतलब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त 1947 की, जिसे स्वतंत्रता दिवस भी कहते हैं। 15 अगस्त 1947 को ही 32 करोड़ भारतवासियों ने आजादी की सुबह देखी थी। दोस्तों आपको तो पता ही है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि आजादी का पहला बलिदान 1857 में दिया गया था, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आजादी हमें एक दिन में नहीं मिली बल्कि कई वर्षों के संघर्ष के कारण हमें आजादी मिली। दोस्तों ये बात आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि 14 अगस्त की मध्य रात्रि को नेहरू जी ने एक भाषण दिया, ट्रेस्ट विद डेस्टिनी। इसे पूरी दुनिया ने सुना सिवाय गांधी जी के, क्योंकि वह 9 बजे ही सोने चले गए थे। दोस्तों क्या आप ये भी जानते हो कि 15 अगस्त 1947 को जब पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा था, और उस वक्त गांधी जी ने ये जश्न नहीं मनाई थी क्योंकि वो उस समय कलकत्ता में हुए दंगों को रोकने में लगे थे, अनशन पर थे। दोस्तों क्या आपके मन में भी ये सवाल उठता है कि आखिर भारत को 15 अगस्त को ही आजादी क्यों मिली? तो दोस्तों आपके इस सवाल का जवाब है, भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने देश को 15 अगस्त को ही आजाद घोषित किया, क्योंकि इसी दिन ठीक 2 वर्ष पहले 15 अगस्त 1945 को जापान ने खुद को मित्र राष्ट्र के सामने समर्पित किया था, और यही कारण है कि भारत को आजादी 15 अगस्त को मिली थी। दोस्तों हर स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पीएम लाल किले पर जाकर झंडा फहराते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू जी ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। दोस्तों क्या आप जानते हो 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। दोस्तों अब आप जानना चाहोगे कि यह फैसला कब लिया गया, तो दोस्तों आपको बता दूं कि यह फैसला 17 अगस्त को लिया गया रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ। दोस्तों आपको ये जानकर बेहद आश्चर्य हो, लेकिन क्या आप जानते हो भारत 15 अगस्त को तो आजाद हो गया लेकिन उस समय तक कोई राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन यह भारत का राष्ट्रगान 1950 में बना ऑफिशियल यानी आधिकारिक तौर पर। दोस्तों ये तो हमें पता ही है कि भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ, लेकिन क्या आप जानते हो भारत के अलावा 3 और भी देश ऐसे हैं जो कि उसी दिन आजाद हुए। यहाँ पर उसी दिन कहने का मतलब सिर्फ 15 अगस्त है। तो आइए उन देशों के बारे में जानते हैं जिनमें से दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आजाद हुआ। दूसरे नंबर पर है ब्रिटेन से बहरीन, जो कि 15 अगस्त 1971 को आजाद हुआ। वहीं तीसरे नंबर पर है कांगो, जो कि फ्रांस से 15 अगस्त 1946 को आजाद हुआ था, यानी स्वतंत्रता पाई थी। दोस्तों आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि 15 अगस्त 1854 को ईस्ट इंडिया रेलवे ने कलकत्ता से हुगली तक प्रथम यात्रा ट्रेन चलाई गई थी, जबकि ऑफिशियली इसका संचालन 1855 में शुरू हो चुका था। दोस्तों 15 अगस्त 1950 के दिन ही असम में बहुत ही भयंकर भूकंप आया था, जिस वजह से यहाँ करीब 3000 लोगों की मौत हो चुकी थी भूकंप के कारण। दोस्तों अब जान लेते हैं कि 15 अगस्त 1947 के दिन आखिर हुआ क्या था। दोस्तों 15 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने कार्यालय में काम किया। दोपहर में नेहरू ने उन्हें मंत्रिमंडल की सूची सौंपी, और बाद में इंडिया गेट के पास जाकर प्रिंसेस गार्डन में एक सभा को संबोधित किया। दोस्तों 15 अगस्त 1519 को पनामा शहर बनाया गया था। दोस्तों 15 अगस्त 1872 में एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जो कि ब्रिटिश राज से भारत को आजादी दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं, और इनका नाम महर्षि अरबिंदो घोष है। दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर हाँ तो एक लाइक कर देना और कॉमेंट में जरूर बताना।